हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो देखिए, हम लोग 9th क्लास के लास्ट चैप्टर पर आ गए हैं। 7th चैप्टर है राजस्थान की शौर्य परंपरा। तो थोड़ा सा 2 मिनट मैं आप लोगों के लेती हूँ और मैं ये बताने वाली हूँ कि जो बच्चे ऐसे पूछते हैं बार बार कि बुक्स जो हैं वो हम RBSC की पढ़ें या NCERT की पढ़ें, ठीक है। दोनों ही बुक्स का जो है वो अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। यहाँ राजस्थान जीके की यदि बात करें तो देखिए, यहाँ पर ऐसा एक भी चीज़ नहीं बची है जो मैंने आपको राजस्थान की ना करवाई हो, ठीक है। RBSC की बुक जो है वो 6 से 10 तक की मैंने आप लोगों को करवाई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। जिन बच्चों ने साथ में की उन सभी को पता है, ठीक है। एग्ज़ाम देकर आए आप, जो भी एग्ज़ाम आपने दिए हैं, पटवारी के दिए, रीट का दिया, तो एक भी ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं आया जो कि आपने नहीं पढ़ा हो। इन बुक्स के बाहर तो कुछ भी नहीं आया, ठीक है। तो आगे जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे राजस्थान में, जहां आपका राजस्थान का जीके पूछा जाता है, तो RBSC की बुक तो आप लोगों को पढ़नी ही है, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा फैक्ट जो है वो उसी में मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद तो आप अच्छे से समझ लें कि जो अब जो बुक आपके स्कूल में चल रही है वो NCERT चल रही है, और NCERT के साथ में एक बुक चल रही है जिसे हमारा राजस्थान बुक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो बुक है जिसमें राजस्थान का जीके आपको एकदम अच्छे तरीके से पूरा आपको यहाँ मिलता है, इससे बाहर आप लोगों को ना तो कोई गाइड चाहिए, ठीक है, ना ही कोई एक्स्ट्रा जो है और भी जो बुक्स आप लेते हो वो भी नहीं चाहिए। आपको इन्हीं बुक्स को पढ़ना होगा। चैप्टर में आप लोगों को पहले रीड करवा देती हूँ ताकि आपको चैप्टर के बारे में पता लग जाए, इस चैप्टर में क्या है। फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर जो कराती हूँ, जैसे कि ये जो पैराग्राफ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पर मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि आपके एग्जाम में आए, तो वो सब मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आपको करवाती हूँ, ठीक है। ताकि जो बच्चे चैप्टर नहीं पढ़ पाए हैं, जिनको टाइम नहीं मिला है, तो वो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से सारे चैप्टर कवर कर सकते हैं। लास्ट टाइम में क्या होता है, जब आपका एग्ज़ाम आता है तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि इतनी सारी बुक्स को आप लोग दोबारा से रिवाइज करो। तो उसके लिए सबसे अच्छी जो मैंने आप लोगों के लिए काम किया है वो है क्वेश्चन आंसर सीरीज़। जिन बच्चों ने परचेज़ की है बहुत अच्छी बात है, आप लोग तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर दें, ठीक है। और जिन बच्चों ने नहीं की है तो वो लोग जो हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज नोट डाउन करें तो नोट डाउन करें, जैसा भी करें। जो बच्चे इन बुक से नोट्स बना रहे हैं नोट्स बनाएं, ठीक है, जैसा भी आपको सूट करता है वैसा आप लोग काम करें। लेकिन इन बुक्स को आप ज़रूर पढ़ें यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जहाँ राजस्थान का जीके पूछा जाता है। RBSC की जो 6 से 10 तक कराई है वो आपकी कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है। इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी आपको वहाँ पूरी मिल जाती है। यानी कि रीट का यदि आप एग्ज़ाम देंगे तो SST जो है वो आपको इससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी एग्ज़ाम जो है पेपर आप पहले वाले उठाकर देखिएगा, वहाँ आपको पूरा का पूरा आपको यहीं से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यहाँ तक कि अब जो प्रयोगशाला सहायक की जो आपकी वैकेंसी निकली है, तो पिछली साल जो भी पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में या फिर 2017 में जो हुआ था, तो वो उसको आप उसको उठाकर देखिएगा, सभी जो हैं वो आप लोग क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा कि आप लोग आंसर नहीं जानते हो, ठीक है। तो जिन बच्चों ने मेरी बात को फॉलो किया है, जिनको भरोसा है, तो वो लोग तो करते हैं काम और साथ में पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम 9th क्लास, जैसे ही ये 7th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। फिर हम 10th जो है वो पढ़ेंगे, 10th के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे, और आपका राजस्थान का GK। 2nd ग्रेड में यदि बात करें तो आपका पूरा 80 नंबर का राजस्थान का GK जो है वहाँ पर आता है। 80 नंबर बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को जो 2nd ग्रेड का जो कोर्स चल रहा है, बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि वो लोग जो है रीट का एग्ज़ाम तो यूं ही निकाल लेंगे और 2nd ग्रेड का एग्ज़ाम भी निकालेंगे, क्योंकि वहाँ पर मैंने 6 से लेकर जो 12th ग्रेजुएशन तक की बुक है उनके नोट्स जो हैं वो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, ठीक है। और इन बुक से बाहर जो है वो आप लोगों का नहीं जाता है। रीट के लिए तो 10th तक की बुक ही आप लोगों के लिए काफ़ी है। तो चलिए चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर है राजस्थान की शौर्य परंपरा।
भारत के इतिहास में राजस्थान का विशेष स्थान उसकी अनूठी शौर्य परंपरा के कारण रहा है। राजस्थान की भूमि अपने वीर सपूतों के लिए प्रसिद्ध रही है। यह शौर्य जहां एक ओर प्राचीन समय में घटित हुए सभ्यता मूलक विकास में देखा जा सकता है, वहीं मध्य युग और आधुनिक युग में बाहरी आक्रमण के समय स्थानीय शासकों एवं जनसाधारण द्वारा किए गए संघर्षों में भी दिखलाई देता है। तो यहाँ की शौर्य परंपरा जो है वो पहले से ही हम लोगों को दिखाई देती आ रही है। यहाँ पर जो भी वीर सपूतों ने जन्म लिया है, ठीक है, तो मध्य युग की बात करें तो वहां भी हम ये देखते हैं कि शासकों के द्वारा किस तरीके से जो है अपनी शौर्य परंपरा को बनाए रखा गया। ठीक है, आधुनिक युग में भी यही चीज हमें दिखाई दी। यहाँ के महल, किले, अन्य ऐतिहासिक इमारतें यहाँ के वीरों के अदम्य साहस की गाथाएं कहते हैं। ठीक है, तो महलों के बारे में यदि हम पढ़ते हैं तो पता लगता है कि महल जो है वो किस शासक ने बनवाया, क्यों बनवाया। ठीक है, किले जो है वो क्यों बनवाए गए, इस किले की रक्षा के लिए जो प्राचीर बनवाई गई, ठीक है, तो दुश्मनों से जो है महल को या फिर वहाँ की जो जनता है उनको बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए किलों को जो है ऊंची ऊंचे जो पहाड़ हैं वहाँ पर बनवाया गया। अन्य ऐतिहासिक इमारतें, ये सभी जो है वीरों के अदम्य साहस की गाथाएं कहते हैं, इनकी कहानियां जो है वो बताते हैं कि ये लोग कितने साहसी थे। राजस्थान की इस शूरवीरता से प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासविद कर्नल जेम्स टॉट, इन्होंने इन शब्दों में उभारा कि राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं है जिसमें थर्मोपली जैसी रणभूमि ना हो। शायद ही ऐसा कोई नगर ना मिले जहां लियोनी दास जैसा वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ हो। तो सभी जानते हैं हम लोग, क्योंकि हम अभी तक राजस्थान का जो हम इतिहास पढ़ते आए हैं वहां हमने देखा है इस तरीके से। ठीक है, मध्यकाल की बात करें तो वहां पर हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप जो कि मेवाड़ के शासक रहे, ठीक है, किस तरीके से जो है अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, युद्ध करते हैं, ठीक है, हार नहीं मानते हैं। पृथ्वीराज चौहान रहे हैं अजमेर के शासक, राणा सांगा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम आधुनिक राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान के एकीकरण तक, तो कितने लोगों के, महान लोगों के नाम जो है वो हमें सुनाई देते हैं, सुनने को आते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में जो है वो हमें जानना जरूरी है, और इसीलिए राजस्थान के निवासी होने की वजह से ही जो ये बुक्स जो हैं वो स्कूल में इसीलिए लगाई जाती हैं ताकि सभी बच्चों को जो है यहाँ की जो शौर्य परंपरा है उसके बारे में जानकारी हो सके। राजस्थान में आरंभ से ही रियासती और सामंती संघर्ष जो है वो इतने ज्यादा रहे कि यहाँ युद्धों का एक लंबा सिलसिला जो है देखने को मिलता है। ठीक है, मध्यकाल से ही हम लोग, प्राचीन काल के बाद मध्यकाल में हम देखते हैं, उसके बाद आधुनिक राजस्थान में हम देखते हैं, तो कितना लंबा सिलसिला जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, हाल ही में हमने जो है किसान आंदोलन देखा, जनजातीय आंदोलन देखा, प्रजामंडल देखा, फिर लास्ट में राजस्थान का एकीकरण होता है। तो राजस्थान के शासकों ने तुर्कों, दिल्ली सल्तनत के शासकों, सिंध से आए आक्रमणकारियों, बंगाल के पाल शासकों, दक्षिण के चालुक्यों, पूर्व के चंदेलों और गहड़ वालों के तथा मराठों के विरुद्ध अनेक संघर्ष किए। तराइन, खानवा, हल्दी घाटी, सरीखे इतिहास प्रसिद्ध युद्ध राजस्थान के शासकों द्वारा लड़े गए, जिनसे पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, महाराणा प्रताप जैसे वीर शासकों के शौर्य का अंदाजा होता है। तो छोटी क्लासेस में तो हम इन सब के बारे में पढ़ ही चुके हैं, इसके बाद जब हम 10th पढ़ेंगे तो वहां पर हमें राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, राजस्थान की आम जनता में स्वामी भक्ति की एक महत्वपूर्ण परंपरा होने से जनता ने अपने स्वामी तथा शासक की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में अपने प्राणों की आहुति दी थी। ठीक है, तो उस समय की जो आम जनता थी वो स्वामी भक्त होती थी, अपने स्वामी के लिए जो है अपने प्राण न्यौछावर करने को हमेशा आगे रहती थी। और आज की बात कर लें तो आज की जनता कैसी है, स्वार्थी है, सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है। ठीक है, यदि व्यक्ति जो है वो कष्ट में होता है तो केवल उसे अपना कष्ट दिखाई देता है, दूसरा का कष्ट उसे नहीं दिखता है। यदि वह दूसरों को कष्ट को देखने लगे तो खुद का कष्ट जो है वह खुद ही भूल जाए। ठीक है, तो राजस्थान का जो इतिहास है स्वामी भक्ति के चलते अपने प्राणोत्सर्ग करने वाले अनेक वीरों की गाथाओं से भी भरा पड़ा है। इस संदर्भ में पन्ना धाय, चंदन,
कीरत बारी की शौर्य गाथा के साथ ही चेतक का बलिदान, ठीक है, महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था, महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खां सूरी की वीरता, भामाशाह की स्वामी भक्ति, दुर्गादास राठौड़ की वीरता का पता चलता है। तो यहाँ तक कि जो है लोग ही नहीं बल्कि उस समय के जो, देखिए, जैसे महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, जानवर भी स्वामी भक्त हुआ करते थे, ठीक है। तो कर्नल जेम्स टॉड क्या लिखते हैं कि राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं उगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भरकर नहीं झूला हो। कवि प्रदीप ने भी राजस्थान की इस शूरवीरता को रेखांकित करते हुए अपने प्रसिद्ध गीत आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इसमें लिखा है कि ये है अपना राजपुताना नाज इसे तलवारों पे, इसने अपना सारा जीवन काटा बरछी तीर कमानों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे, बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, ठीक है। तो ये जो ये कविता है वो किसकी है, तो थोड़ा सा दिमाग में रखें, एग्जाम में नहीं आएगा, कवि प्रदीप की है। तो यहाँ तक आप लोगों के नोट करने के लिए अभी तक कुछ भी नहीं था, बस आपको थोड़ा सा जो है जानकारी होनी चाहिए। आगे चल के आप लोग भी ये बुक्स जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे जब आप टीचर बन जाओगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग जो है इनको अच्छे तरीके से पढ़ाइएगा। अंग्रेजी शासनकाल में साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध संघर्ष में भी राजस्थान के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1857 की क्रांति की ज्वाला राजस्थान में भी धधकी और नसीराबाद, आओवा और कोटा में राजस्थान के वीर सपूतों ने अंग्रेजी सेना के साथ जबरदस्त संघर्ष किया। शाहपुरा, भीलवाड़ा के बारहट परिवार ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति में अपना अमूल्य योगदान दिया। 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग को मारने के प्रयास में दिल्ली बम कांड में प्रताप सिंह और जोरावर सिंह बारहट महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो अब तक हमने नहीं पढ़ा है, सब कुछ हमने पढ़ लिया है, जो भी हम लाइनें अब पढ़ रहे हैं, ठीक है। अंग्रेजों के साम्राज्यवादी शासन के दौरान राजस्थान शेष भारत के समान ही गांधी के अहिंसात्मक तथा सर्वोदयी आंदोलन का केंद्र बना, जिनमें राजस्थान की जनता ने अभय होकर भाग लिया। गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे स्वाधीनता आंदोलनों में राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में प्रजामंडल की स्थापना हुई। उन्होंने या जिन्होंने अहिंसक तरीके से अंग्रेजों के साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध राजस्थान के लोगों को एकत्रित किया, ठीक है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब यहाँ के शासक अपनी स्वाधीनता चेतना को विस्मृत कर अंग्रेजों की ओर झुकाव रखने लगे और उनके साथ मिलकर किसानों का दोहरा शोषण करने लगे, तब किसानों ने संगठित होकर स्थानीय जमींदारों के विरुद्ध संघर्ष किया। इस संघर्ष में बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन महत्वपूर्ण थे। अब देखिए ये चैप्टर जो है वो अचानक से आप लोग पढ़ते तो आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता, ठीक है। अब ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ लिया है, बेंगू किसान आंदोलन पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये सबको समझ में आ रहा है। स्थानीय आदिवासियों की वीर गाथा भी कुछ कम नहीं। 1883 में गुरु गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना कर दक्षिण राजस्थान के भील और गरासियों को एकत्रित कर उनमें जागृति उत्पन्न की और उनमें सुधार की जो है अलख जगाई, तो स्थानीय सामंत और अंग्रेज जो है वो घबरा गए। इसकी परिणति यह हुई कि 1913 में मानगढ़ की पहाड़ी पर जो है सम सभा के 1500 से भी अधिक जो आदिवासी थे उनको अंग्रेजों ने क्या किया था, घेर कर मार डाला था। गुरु गोविंद गिरी के बाद मोतीलाल तेजावत, इन्होंने मेवाड़ क्षेत्र के आदिवासियों को बेगार अनुचित लगानों और भारी भूमि कर के उन्मूलन के लिए एकत्रित किया। अब देखिए गुरु गोविंद गिरी के बारे में आपने जान लिया है, मोतीलाल तेजावत के बारे में जान लिया है, ठीक है। अब कोई भी ऐसी लाइन है क्या जो कि आप लोगों को नहीं पता है, बिल्कुल पता है जो भी स्टार्टिंग से इन चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं। इससे पूर्व 1840 में बनी मेवाड़ भील कोर ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संक्षेप में कहा जा सकता है कि राजस्थान के कण कण में स्वाधीनता की चेतना समाज के विभिन्न वर्गों में आरंभ से ही विद्यमान रही है और जब जब इस स्वाधीन चेतना को आंतरिक अथवा बाह्य किसी भी प्रकार की चुनौती मिली, यहाँ की जनता ने उसका वीरतापूर्ण
तरीके से मुकाबला किया। इन वीरतापूर्ण संघर्षों का अध्ययन हम पूर्व के अध्यायों में कर चुके हैं, ठीक है। तो इस अध्याय में हम स्वतंत्रता के बाद राजस्थान की शौर्य परंपरा के विकास को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अब तक की जो भी चीज़ें थी वो क्या थी कि रिवाइज करना कि हमने जो है क्या क्या पढ़ लिया है। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में शौर्य परंपरा की निरंतरता, आज़ादी के बाद राजस्थान के नौजवान रणबांकुरों ने भारत की सेना में भर्ती होकर राजस्थान के शौर्य एवं साहस की परंपरा को आगे बढ़ाया। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अनेक बार यहाँ के सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है और यह बात यहाँ के रणबांकुरे सैनिकों को मिले सैन्य पदकों, अलंकरणों और पुरस्कारों से अभिव्यक्त होती है। तो किस किस को कौन सा सैनिक पदक मिला, ये है जो है आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। राजस्थान के परमवीर चक्र विजेता प्रमुख वीर सेनानी। अब देखिए कई बच्चे क्या सोचते हैं, इतना जो है बड़ा चैप्टर पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हम तो सीधा क्वेश्चन आंसर ही करेंगे। अब दोनों ही जो बेनिफिट उठाना चाहते हैं वो तो उठाते ही हैं बच्चे। चैप्टर जो पढ़ते हैं और उसके बाद क्वेश्चन आंसर करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है याद रखने में। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करने से क्या होता है, हम जल्दी भूल जाते हैं। जैसे कि एक बच्चे ने ये कहा कि हमने जो है बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर किए और हमारे जो हैं 130 प्लस मार्क्स जो हैं वो बने, ठीक है। लेकिन अब जो है सब कुछ भूल गए हम। रीज़न क्या है, चैप्टर ना पढ़ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर याद करना, ठीक है। तो अभी जब टाइम है तो चैप्टर को पढ़ना ज़रूरी है। जो लोग इस चीज़ को समझते हैं वो सारे काम करते हैं। कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं है जो कि आप लोगों के लिए वेस्ट है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। परमवीर चक्र भारत का एक सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकरण है और यह मुख्यतः दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की शूरता, त्याग और बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। राजस्थान के शहीद मेजर पीरू सिंह शेखावत को 1952 में और शहीद मेजर शैतान सिंह को 1963 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया था, ठीक है। तो मेजर पीरू सिंह के बारे में तो एग्जाम में आ चुका है कि इनको जो है कौन सा चक्र मिला था, परमवीर चक्र, ठीक है। कब मिला था, 1952 में। तो यहाँ हम इन दोनों बहादुरों की शौर्य गाथा की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यह है मेजर पीरू सिंह शेखावत। आज़ादी के तुरंत बाद अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबायलियों के माध्यम से कश्मीर पर आक्रमण किया। इस युद्ध में दुश्मनों से लोहा लेते हुए राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र के वीर सेनानी मेजर पीरू सिंह शेखावत जो है वो शहीद हो गए, ठीक है। 1947 में पाकिस्तान ने कबायलियों के माध्यम से कश्मीर पर जब आक्रमण किया था तब मेजर पीरू सिंह शेखावत जो है यहाँ पर इस दौरान जो है वो शहीद हुए। मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म 20 मई 1918 को गांव रामपुर बेरिये जिला झुंझुनू में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में आ सकती है। 1936 में वे राजपूताना राइफल्स में भर्ती हुए। 1948 की गर्मियों में कबायलियों और पाकिस्तानी सेना ने संयुक्त रूप से कश्मीर के टीथवाल सेक्टर पर आक्रमण किया। इस हमले पर दुश्मन पहाड़ी पर जमे रहे। उस पहाड़ी पर कब्जा करने का कार्य 6 राजपूताना राइफल्स को सौंपा गया। इसकी अगुवाई जो है वो पीरू सिंह शेखावत कर रहे थे, ठीक है। तो आधे से ज़्यादा साथियों के शहीद होने के उपरांत भी पीरू सिंह उस मीडियम मशीन गन की ओर बढ़े जो उनके साथियों पर मौत बरसा रही थी। उन्होंने मशीन गन चला रही दुश्मन सेना के सभी सैनिकों को मारकर उस पोस्ट पर कब्जा कर लिया। अब यहाँ पर जो है एक कहानी सी बन रही है, ठीक है, कि 1948 में जब गर्मी का टाइम था तो उस समय कबायलियों और पाकिस्तानी जो सेना थी ये दोनों जो है वो मिल जाती है और मिलकर कश्मीर के टीथवाल सेक्टर पर आक्रमण करती है। सोच लीजिए कि यहाँ जो है टीथवाल सेक्टर पर आक्रमण हो रहा है, ठीक है। तो इस हमले पर दुश्मन जो है वो पहाड़ी पर जमा थे और पहाड़ी पर कब्जा करने का कार्य जो है 6 राजपूताना राइफल्स को सौंपा गया और इसको जो है इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, पीरू सिंह शेखावत, ठीक है। तो आधे से ज़्यादा साथियों के शहीद होने के बाद भी पीरू सिंह जो है वो उस मीडियम मशीन गन की ओर बढ़े और उनके साथियों पर मौत जो बरसा रही थी तो उसके आगे जो है वो बढ़ते जाते हैं। तो वो जो मशीन गन है चला रही दुश्मन सेना के सभी सैनिकों को मार देते हैं और उस पोस्ट पर कब्जा कर लेते हैं। वे दूसरी मशीन गन की ओर बढ़ते हैं, फिर तभी एक बम जो है वो उन पर गिरता है और वे घायल हो जाते हैं। घायल अवस्था में ही उन्होंने दुश्मन देश के सैनिकों को मारना जारी रखा।
और 18 जुलाई 1948 को वो शहीद हो गए। ठीक है, तो उनकी इस वीरता और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि अपने देश के लिए जो है वो अपनी जान जो है वो ये लोग लगा देते हैं। ठीक है, बहुत ही गर्व की बात होती है। शहीद मेजर शैतान सिंह, 1961-62 में हमारे पड़ोसी देश चीन ने भारत पर हमला किया, तो पीरू सिंह जहाँ पर पाकिस्तानी सेना से वो लड़े थे, और मेजर शैतान सिंह तो यहाँ ये लड़ते हैं चीन की सेना से। भारत ने न्यूनतम संसाधनों के उपरांत भी यह लड़ाई बहादुरी के साथ लड़ी। इसमें भारत के कई जावान सैनिक शहीद हुए। राजस्थान के मेजर शैतान सिंह भी इनमें से एक हैं। मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर में हुआ। 1962 के युद्ध में मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 13वीं कुमायूनी बटालियन की सी कंपनी रेजांग ला दर्रे में चीनी सैनिकों का मुकाबला कर रही थी। ठीक है, तो इनकी जो बटालियन का क्या नाम था, 13वीं कुमायूनी बटालियन की सी कंपनी रेजांग ला दर्रे में क्या कर रही थी, चीनी सैनिकों का मुकाबला कर रही थी। 18 नवंबर 1962 को पहली खेप में 350 चीनी सैनिकों ने और दूसरी खेप में 400 चीनी सैनिकों ने हमला बोला, किंतु मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। इस हमले में घायल होने के बाद भी वे एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर जाकर सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहे। उनकी सामरिक सूझबूझ और साहसिक नेतृत्व के कारण भारत के सैनिकों ने 1000 से भी अधिक चीनी सैनिकों को मार दिया, किंतु इस संघर्ष में मेजर शैतान सिंह जो हैं वीर गति को प्राप्त हुए। उनके बारे में प्रसिद्ध है कि इस संघर्ष में उनके दोनों हाथ लहू लुहान हो गए, तो भी मशीन गन को अपने पैर से बांध कर वे पैर से शत्रुओं पर मशीन गन तब तक चलाते रहे जब तक कि उनके प्राण पखेरु नहीं उड़े। उनके इस अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत 1963 में उन्हें परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। ठीक है, तो ये हैं मेजर शैतान सिंह, जिन्होंने बहुत वीरता से जो चीनी सैनिक थे उन पर हमला बोला था। ठीक है, राजस्थान के महावीर चक्र विजेता प्रमुख वीर सेनानी, महावीर चक्र परमवीर चक्र के बाद दूसरा उच्च शौर्य अलंकरण है। तो ये लाइन जो है वो एग्जाम के लिए बन जाती है आपकी इम्पोर्टेंट। यह युद्ध के समय वीरता दिखलाने के लिए दिए जाने वाला पदक है। यह सम्मान मुख्यतः युद्ध की स्थिति में उच्च कोटि की शूरता, त्याग, बलिदान के लिए सैनिकों और असैनिकों को प्रदान किया जाता है। यहाँ हम राजस्थान के उन बहादुरों की शौर्य गाथा की चर्चा करेंगे जिन्हें विभिन्न युद्धों के दौरान बहादुरी के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर महावीर चक्र से सम्मानित किया गया सबसे पहले है सूबेदार चूनाराम फागड़िया। परमवीर चक्र के बाद दूसरे नंबर पर आता है ये महावीर चक्र। राजस्थान का पहला महावीर चक्र सूबेदार चूनाराम फागड़िया को 1948 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य वीरता का परिचय देने के लिए मिला। सूबेदार चूनाराम फागड़िया का जन्म 1923 में सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील के गांव डलमास की ढाणी में हुआ। जून 1948 में कश्मीर के पुंछ राजौरी सेक्टर में एक पहाड़ी पर डटे दुश्मनों को हटाने की जिम्मेदारी राजपूताना राइफल्स की टुकड़ी को सौंपी गई, जिसमें हवलदार चूनाराम फागड़िया जो है वो नेतृत्व कर रहे थे। जब वे दुश्मन के नजदीक पहुंचे तो उन पर ग्रेनेड फेंका गया, किंतु चूनाराम उससे भयभीत नहीं हुए और उन्होंने दो दुश्मनों को मार गिराया जबकि तीन को जो है वो घायल कर दिया। उनके इस अदम्य साहस के लिए भारत सरकार ने उन्हें महावीर चक्र जो है प्रदान किया। ठीक है, अगला देखिए, अगले जो शहीद हैं जिनको महावीर चक्र मिला, सैनिक ढोकल सिंह, भारत पाकिस्तान की लड़ाई में जोधपुर जिले के सेखला जुनावास गांव में जन्मे बहादुर सैनिक ढोकल सिंह को भी महावीर चक्र से नवाजा गया। इनका जन्म जो है 1 दिसंबर 1923 को हुआ। देखिए सन जो है वो नहीं पूछता है एग्जामिनर, पूछता क्या है कि किस जिले में या किस गांव में इनका जन्म हुआ। ठीक है, 21 वर्ष की आयु में 1944 में वे भारत की सेना की 6 राजपूताना राइफल्स में सम्मिलित हुए। अप्रैल 1948 में ढोकल सिंह की सैन्य टुकड़ी कश्मीर के उरी क्षेत्र में तैनात थी।
29 अप्रैल को ढोकल सिंह की सैन्य टुकड़ी को उरी का मोर्चा कहलाने वाली नवाला पिकेट को दुश्मनों के कब्जे से छुड़ाने का आदेश मिला। तो यहाँ पर उरी का मोर्चा कहलाने वाली नवाला पिकेट को दुश्मनों के कब्जे से छुड़ाने का आदेश जो है वो ढोकल सिंह को मिला। तो 20 घंटे तक चले संघर्ष में दुश्मनों द्वारा बरसाई गई गोलियां और लगाई गई आग की परवाह किए बिना ढोकल सिंह आगे बढ़ते रहे और ग्रेनेड से घायल होने के बाद भी उन्होंने 5 दुश्मनों को मार गिराया। इस हमले में वे शहीद हुए और मरणोपरांत जो है उन्हें महावीर चक्र दिया गया। नेक्स्ट देखिए ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत का जन्म 2 नवंबर 1923 को हुआ। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय रघुवीर सिंह 18 राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट में तैनात थे और उनकी सैन्य टुकड़ी को पंजाब के खेमकरण और आसाल उत्तर क्षेत्र की कमान संभालनी थी। उनकी टुकड़ी पर 9 नवंबर 1965 को पाकिस्तान के सैनिकों ने अर्धरात्रि में टैंकरों से हमला कर दिया। ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना की टुकड़ी ने 22 पैटर्न टैंक को नष्ट कर दिया और दुश्मनों को भागने पर मजबूर कर दिया। उनके इस साहस के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया। किसे? ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत को। कर्नल उदय सिंह भाटी, तो देखिए ये रहे ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत और ये हैं कर्नल उदय सिंह भाटी। राजस्थान के एक और वीर सपूत को 26 जनवरी 1972 को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये वीर सपूत हैं कर्नल उदय सिंह भाटी, जो जोधपुर क्षेत्र के शेरगढ़ से संबंध रखते हैं। 1971 के दिसंबर माह में उनकी तैनाती जो है कारगिल सेक्टर में थी, जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था। तो उनके नेतृत्व में लद्दाख स्काउट की 3 टुकड़ियों को चालुंका से तारकटोक तक का क्षेत्र कब्जे में करने का काम सौंपा गया। सभी तरफ से कटा हुआ 18,000 फीट की ऊंचाई पर 0 डिग्री तापमान वाला यह ऐसा क्षेत्र था जिस पर चलना दुर्गम था। ठीक है, 0 डिग्री टेम्परेचर था वहां पर। तो कर्नल उदय सिंह के कुशल नेतृत्व के कारण संचार से कटे उस दुर्गम क्षेत्र में उनके दल ने दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अपनी सूझबूझ से उन्होंने अपने साथियों का हौसला बनाए रखा और 10 दिन तक चले इस ऑपरेशन में दुश्मन सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया। उनके इस साहसिक योगदान के लिए उन्हें महावीर चक्र दिया गया। तो कर्नल उदय सिंह भाटी जो है कहाँ के थे? जोधपुर के थे। ठीक है, और इनकी जो तैनाती थी कहाँ थी? कारगिल सेक्टर में। और इनको जिम्मा किसका दिया गया था? यहाँ पर इनको लद्दाख स्काउट की 3 टुकड़ियों को चालुका से तार टोक तक का जो है क्षेत्र कब्जे में करने का काम सौंपा गया था। ठीक है, टेम्परेचर जो है वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी थी, कोई भी कम्युनिकेशन जो है वहाँ पर नहीं था, कोई भी टेलीफोन वगैरह कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो अपनी सूझबूझ से उन्होंने अपने साथियों का हौसला बढ़ाया और 10 दिन तक जो ये ऑपरेशन चलता है और उसके बाद जो है ये जीतते हैं और इनके जो साहसिक योगदान के लिए इन्हें महावीर चक्र दिया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल हरनूत सिंह का जन्म 6 जुलाई 1933 को जसोल बाड़मेर में हुआ। 1971 की जो भारत पाकिस्तान लड़ाई थी इसके समय लेफ्टिनेंट कर्नल सिंह जो है वो पूना हॉर्स कमांड में थे। 16 दिसंबर 1971 को हनूत सिंह सक्करगढ़ सेक्टर में तैनात थे। उनकी टुकड़ी को बसंतर नदी पर दुश्मनों से लोहा लेने भेजा गया। ठीक है, तो कहाँ जाते हैं ये? ये जो है बसंतर नदी पर जो है यहाँ पर दुश्मनों पर हमला बोलने के लिए जाते हैं। दुश्मनों ने जमीन के भीतर विस्फोटक बिछा रखे थे, किंतु अपनी जान की परवाह किए बिना जो है हनूत सिंह ने लगातार 2 दिनों तक अपने साथियों के साथ दुश्मनों का सामना किया और 700 मीटर अंदर तक जाकर दुश्मनों के करीब 50 टैंक जो है वो नष्ट कर दिए। उनको उनके इस साहसिक नेतृत्व के लिए उन्हें महावीर चक्र दिया गया। 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने भी 1971 के जो युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान की लड़ाई, तो उसके बाद जो है इनको फक्र ए हिंद से नवाजा गया। अप्रैल 2015 को जो है इनका निधन हो गया।
लेफ्टिनेंट कर्नल सवाई भवानी सिंह। राजस्थान के एक और वीर सपूत जयपुर के लेफ्टिनेंट कर्नल सवाई भवानी सिंह 5 और 6 दिसंबर 1971 को अपनी पैरासूट रेजिमेंट के साथ चचरों और वीरवाह पोस्ट पर तैनात थे। उन्होंने लगातार चार दिन और रात दुश्मनों के क्षेत्र पर आक्रमण किया और बिना अपनी जान की परवाह किए साथियों का हौसला बढ़ाया और दुश्मनों के एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार करने में कामयाबी हासिल की और इस उपलब्धि के लिए भारत सरकार ने इन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया। ठीक है, तो ये कहाँ पर तैनात थे? ये जो है पैरासूट रेजिमेंट के साथ चचरों और वीरवाह पोस्ट पर तैनात थे। ठीक है, तो ये लाइन जो है इनके बारे में याद रखेंगे। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने परमवीर चक्र विजेता जो है वो पढ़े, जिसमें हमने दो के नाम पढ़े, बहुत ही इम्पोर्टेंट, याद रखें। एक तो हमने मेजर पेरू सिंह शेखावत के बारे में पढ़ा, ठीक है, जो शेखावटी क्षेत्र के थे। मेजर शैतान सिंह के बारे में पढ़ा, जिन्होंने चीन के साथ जो है चीन के सैनिकों के साथ युद्ध किया। जो पेरू सिंह जो थे उन्होंने किसके साथ युद्ध किया था? उन्होंने कश्मीर में जो है युद्ध किया था पाकिस्तानियों के साथ। ठीक है, फिर हमने जो है महावीर चक्र जो विजेता हैं उनके बारे में पढ़ा, चूनाराम फागड़िया जो सूबेदार थे, ठीक है, भारत पाकिस्तान के युद्ध जो है वहाँ पर वो वीरता से लड़े, उनको महावीर चक्र मिला। शहीद सैनिक ढोकल सिंह के बारे में पढ़ा, वो भी भारत पाकिस्तान की लड़ाई में जो है वहाँ पर उनको उनकी वीरता के लिए जो है महावीर चक्र दिया गया, ठीक है, उनके मरने के बाद। फिर हमने ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत के बारे में पढ़ा, ठीक है, बहुत ही अधिक उम्र के थे, ठीक है, और फिर भी उन्होंने जो है बहुत वीरता के साथ जो है दुश्मनों को भगाया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जो है महावीर चक्र से सम्मानित किया था रघुवीर सिंह राजावत को, ठीक है, जो ब्रिगेडियर थे। फिर हमने कर्नल उदय सिंह भाटी के बारे में पढ़ा, ठीक है, जिनको भी महावीर चक्र से नवाजा गया था। फिर हमने कर्नल हरूत सिंह के बारे में पढ़ा, भारत पाकिस्तान की जो युद्ध हुआ था 1971 में, तो उस लड़ाई में जो है इनको कर्नल हरूत सिंह जो है इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है, फक्र ए हिंद से भी नवाजा गया था। किसको? कर्नल हरूत सिंह को। फिर कर्नल सवाई जो भवानी सिंह है, तो ये जो है कहाँ तैनात थे? ये चचरों और वीरवाह पोस्ट पर तैनात थे, ठीक है। कौन? लेफ्टिनेंट कर्नल सवाई भवानी सिंह, तो इनको भी महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। एग्जाम में जो है दो तरीके क्वेश्चन यहाँ बन जाएंगे, एक तो परमवीर चक्र विजेता कौन है, महावीर चक्र विजेता कौन है, ठीक है। तो ये आप ये याद रखिए, इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था और ये किस पोस्ट पर थे और ये जब इनको ये चक्र दिया गया, वीरता चक्र जो इनको मिला, तब ये कहाँ पर तैनात थे, ऐसे ही क्वेश्चन जो है यहाँ से बन जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ इसके आगे हम पढ़ेंगे महावीर चक्र विजेता के बारे में। थैंक यू।